नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर्स ऑफ जीरो। टॉपिक्स का नाम है दोस्तों, नंबर्स ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम शून्यों की संख्या, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे मल्टीप्लाई में, और आपको ये बताना होगा कि उनके एंड में कितने जीरो आएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि 25 का मल्टीप्लाई 4 में किया गया है, अगर हम 25 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो जो प्रोडक्ट इसका आएगा, जो गुणनफल इसका आएगा, उसके लास्ट में कितने जीरो बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 25 का मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो इसके प्रोडक्ट में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ जीरो एट द राइट साइड ऑफ 100 फैक्टोरियल। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द राइट साइड ऑफ 100 फैक्टोरियल, यानी कि 100 फैक्टोरियल के राइट साइड में कितने जीरो बनेंगे। अब 100 फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, जीपी सीरीज में बताया था, यूनिट डिजिट में बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है कि जैसे 100 फैक्टोरियल आपको दिया गया है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और 100 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। मतलब आपको लिखना पड़ेगा, मान लो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और ये मल्टीप्लाई आपको कहां तक करनी पड़ेगी, 100 तक करनी पड़ेगी। इसको बोला जाता है 100 फैक्टोरियल, इसको बोला जाता है दोस्तों 100 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। ये आपका 100 फैक्टोरियल है। अब हम बात करें, देखिए इतना लंबा प्रोडक्ट करना इजी नहीं है, इतनी लंबी सीरीज को मल्टीप्लाई करना इजी नहीं है, तो मैं आपको इसका मेथड बता रहा हूं। पहले इसका बेसिक सुन लीजिए, फिर इसका हम डायरेक्ट अप्रोच पढ़ेंगे कि डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है कि जीरो कितने आएंगे, हमें मतलब किससे है कि जीरो कितने आएंगे। तो हम यही देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि जीरो बनता कैसे है, किसी भी प्रोडक्ट में जीरो बनता कैसे है। जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन पे बनता है दोस्तों, जब 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाता है। जब 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाता है तभी जीरो बनता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आपका जीरो बने। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तब भी जीरो बनेगा। अरे भाई, आप 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो जो ये 4 है ये भी तो 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये जो 4 है ये भी तो 2 मल्टीप्लाई 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का मल्टीप्लाई जब भी 2 में होगा तो आपका एक जीरो तैयार हो जाएगा। जब 1 5 का मल्टीप्लाई 1 2 के साथ होगा तो एक जीरो बन जाएगा, यानी कि ये एक पेयर जो है आपका 1 जीरो बना देगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोल दूं यहां पे कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कि इस प्रोडक्ट में जीरो कितने आएंगे। देखिए दोस्तों, जीरो कितने आएंगे, मैंने क्या बताया कि आपको 1 5 और 1 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो बनेगा, 1 5 और 1 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो बनेगा। देखिए, 1 5 और 1 2 का मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो बन जाएगा, एक जीरो यहां से बनेगा, एक जीरो यहां से बनेगा और एक जीरो यहां से बनेगा, तो इस क्वेश्चन में कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो बनेंगे। यानी कि जब तक 1 5 1 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता तब तक जीरो नहीं बनता। अगर यहां पे 5 होता 4 टाइम्स, 5 क्या होता 4 टाइम्स होता, तो यहां पे पेयर तो 3 ही बनते, ये अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता,
अकेला 5 0 नहीं बना सकता, इसके साथ 2 होना जरूरी है। अगर इस 5 की बजाय यहां पे एक बार और 2 होता, यहां पे एक बार और 2 होता, तो ये अकेला 2 भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 0 बनाने के लिए 5 और 2 का पेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 0 बनती कैसे है, यानी कि कितनी बार 5 आया है और कितनी बार 2 आया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 0 कितनी बार बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस सीरीज में अगर हमें यह पता लग जाए कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि 0 कितनी बार बनेंगे। ठीक है, आज ये दोस्तों फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले मैं 2-3 बातें आपको और क्लियर कर देता हूं। मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपका जो 5 है वो आया है 10 टाइम्स और आपका जो 2 है वो आया है 8 टाइम्स, यानी कि जो आपका 5 है वो तो 10 बार आया है मल्टीप्लाई में और जो आपका 2 है वो 8 बार आया है मल्टीप्लाई में, तो बताओ 0 कितने बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों के पेयर कंप्लीट होंगे तब जाके एक 0 बनेगा, अकेला डिजिट कुछ नहीं कर सकता। तो देखो यहां पे 5 तो 10 टाइम आया है और 2 8 टाइम आया है, तो भाई 0 कितने बढ़ेंगे आपके, 8 जीरोस बनेंगे भाई, 8 जीरो बनेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 5 है ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहां पे 1 2 3 4 अप टू 100 ये कंटिन्यू सीरीज आपकी काउंटिंग लिखी हुई है 1 से 100 तक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो टू है वो 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, यानी कि हर एक स्टेप छोड़ के 2 तो आएगा, यानी कि 2 जो है वो 1 से 100 तक बहुत बार आएगा, तो 2 की तो कोई कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 की, ध्यान से देखिए 5 जो है एक तो 5 में आएगा, एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक 20 में आएगा, यानी कि 5 की संख्या कम है, तो हम 5 के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि 1 से 100 तक हम फोकस करेंगे कि 5 कितनी टाइम आया, हम फोकस किस बात पे करेंगे कि 5 कितनी टाइम आया। देखिए 5 तो 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा, 40 में आएगा, 45 में, ऐसे ही हम लिखते रहेंगे, 50 में आएगा, 55 में आएगा, 60 में आएगा, 65 में आएगा, 70 में आएगा, 75 में, 80 में, 85 में, 90 में, 95 में और 100 में, इन सभी में 5 आएगा। देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। देखो अब 5 की बात करें तो ये 5 कैसे बनता है, 5 मल्टीप्लाई 1, ये 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पे हर एक में 1 5 है, 5 एक बार आया है, लेकिन एक बात पे फोकस करो, जो 25 है उसमें 5 आया है 2 टाइम, जो 50 है इसमें 5 आया है 2 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जो 75 है इसमें जो है आपका 5 2 टाइम आया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और जो आपका 100 है इसमें 5 2 टाइम आया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। यानी कि 25 में, 50 में, 75 में और 100 में जो आपका 5 है वो 2 टाइम्स आया है, बाकी सभी में 1 टाइम्स आया है। बाकी सभी कोई भी देख लीजिए आप, मान लीजिए 55 है तो ये क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 एक बार ही आया है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, यानी के इस क्वेश्चन में जो आपका 5 है वो कितने टाइम आया है, 24 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है, 24 टाइम्स। 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 का तो कोई पता ही नहीं कितनी बार आएगा, बहुत बार आएगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे 2 है, तो 100 तक कम से कम 50 टाइम तो 2 है ही, 50 टाइम तो 2 है ही, क्योंकि हर एक इवन नंबर में 2 है, हर एक इवन नंबर में क्या है, 2 है। और इवन नंबर क्या होते हैं, अपने नंबर्स में हाफ नंबर इवन होते हैं और हाफ नंबर ओड होते हैं। ठीक है, तो 2 की तो इसमें कोई कमी नहीं है, 5 की कमी थी वो हमने ढूंढ लिया, कितनी टाइम आया है, 24 टाइम, यानी कि इस क्वेश्चन में जो 0 होंगे वो आपके कितने होंगे, 24 जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है इसका बेसिक मेथड। अब इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तब आंसर पे पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
ठीक है, तो सुनिए बात मेरे ध्यान से, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि जो फाइव है वो कितनी बार आया है, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वन से, एंड कहां पे कर रहे हैं, हंड्रेड पे। ये कंटिन्यू सीरीज है आपकी, ये कंटिन्यू सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ऐसी सीरीज आपके पास हो तो आप फाइव फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां तक आपको मल्टीप्लाई में जाना है, हंड्रेड तक, उसको ले लीजिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइव फाइंड आउट करना है। हंड्रेड को फाइव से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 20। जो ये 20 आया है इसको फिर फाइव से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4। जब तक यहां पे 5 से छोटी वैल्यू ना बच जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे। ये 5 से छोटी वैल्यू बच गई तो यहां पे रुक जाइए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 प्लस 4, आपका आंसर आ गया 24 जीरोस, यानी कि यहां पे जो आपकी जीरो होगी वो कितनी होगी, 24। ऐसे आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहां पे 24 जीरो होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछने की बजाय ऐसे भी पूछ सकता था, देखिए मैं इरेज कर लेता हूं एक बार, इसको आप नोट कर लेना। ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। ये दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों, मतलब कि 100 फैक्टोरियल में 5 का लार्जेस्ट पावर क्या है, कि 5 कितनी बार आया है। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, वो जीरो भी पूछ सकता है। जीरो पूछने का एक्चुअल में मतलब क्या है उसका, मैंने आपको बता दिया। जीरो कैसे बनेगा, जब 5 2 में मल्टीप्लाई करेगा। अब 2 की तो कोई कमी है नहीं, 2 तो बहुत बार आया है, लेकिन 5 जो है वो कम बार आया है। तो हम 5 को सर्च करेंगे, 5 को सर्च करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या कर लेंगे, जहां तक आपको जाना है उसको आप 5 से डिवाइड कर लें, और इस सीरीज को 5 से डिवाइड करते रहें जब तक 5 से छोटा वैल्यू नहीं बच जाता। अभी 5 से छोटा वैल्यू बच गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24, यानी कि इस क्वेश्चन में 24 जीरो आएंगी। और अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 5, तो लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 आएगी 24। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 का पावर 24, कि लार्जेस्ट पावर जो है 5 की वो 24 है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, तो हम इस 100 को 3 से डिवाइड कर लेते। ठीक है, वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, पहले हम जीरो पे फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप। आपको क्या करना है कि जब आपकी रेगुलर सीरीज दे रखी हो, ठीक है, और आपको जीरो फाइंड आउट करने हो, यानी कि आपको 5 फाइंड आउट करना है, तो लास्ट वाले डिजिट को 5 से डिवाइड कर ले, और तब तक उसको डिवाइड करते रहे जब तक 5 से छोटी पावर नहीं बच जाती। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए दोस्तों मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अप टू 500 में नंबर ऑफ जीरो बताना है, अप टू 500 तक। मैंने आपको बता दिया था कि हम 1 से 500 तक जा रहे हैं, तो जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक हमें 5 फाइंड आउट करना है, तो 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। 500 को 5 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। फिर मैंने बताया 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 124, यानी कि यहां इस 500 तक कितने जीरो बनेंगे, 124 जीरोज बनेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही सीरीज आपकी 1000 तक होती, 1000 तक होती, तो हम 1000 को डिवाइड कर लेते, 800 तक होती 800 को डिवाइड कर लेते। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अप टू 700, बताए 750 कर लेते हैं। आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो, मैंने क्या बताया, आप लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करेंगे, लास्ट वाला क्या है, 750। और एक बात, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 4 6 8 हो, 1 3 5 7 हो, नहीं, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और रेगुलर नंबर होने चाहिए, तब ये मेथड यूज होगा, वरना नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए 750 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 से, 750 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आ जाएगा, 150। अब आप 150 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आ जाएगा, 30।
अब आप 30 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आ जाएगा 6, अब आप 6 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 180 और 7, 187, यानी कि इस क्वेश्चन में जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 187 जीरो होंगे दोस्तों, इस सीरीज में आपके 187 जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि रिकाउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तब जाके हम क्वेश्चन ऐसे टैकल करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो ये मेथड मैंने आपको सिखाया है ये कहां अप्लाई होगा, जब आपकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही हो, 1 से स्टार्ट हो रही हो। कहने का मतलब कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे आपको दे दिया 251 मल्टीप्लाई 252 मल्टीप्लाई 253 मल्टीप्लाई 254 अप टू 600, आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस कि कितने जीरो आएंगे। देखिए काउंटिंग कहां से स्टार्ट है, 251 से। अगर ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती तो निकाल देते ना। अरे बोलो, अगर 1 से स्टार्ट होती तो आंसर निकाल देते तो कर लो भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 600 तक कितने जीरो आएंगे। अरे निकाल सकते हो 600 तक, कैसे निकलेंगे, 600 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 120, 120 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 24, 24 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, नहीं सॉरी 120 को, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे 24, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो आप इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 148, यानी के अगर 1 से 600 तक जाते तो कितने जीरो आते 148, लेकिन यहां तो 1 से 250 तक तो वैल्यू है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू 250, यानी कि हम ये देख लेंगे कि 1 से 250 तक कितने जीरो हैं। हमें पता लग गया कि 1 से 600 तक कितने जीरो हैं, 148 है। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि 1 से 250 तक कितने जीरो हैं। निकालिए 250 को 5 से डिवाइड करेंगे 50, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि कितने हैं 62, 62 जीरो हैं। कहां से कहां तक, 1 से 250 तक। अब हमें 1 से 250 तक की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कहां से कहां तक चाहिए, 251 से 600 तक चाहिए, यानी कि 250 तक की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये जीरो जो है 62 जीरो जो है आप इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि आप 148 में से माइनस कर देंगे 62, क्योंकि 148 जीरो आपके कहां तक थे, 1 से 600 तक, और 62 1 से 250 तक। अब 1 से 250 तक के तो हमारे कोई काम के नहीं है, माइनस कर दीजिए, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 86, यानी के 251 से 600 तक कितने जीरो आएंगे, 86 जीरो आएंगे दोस्तों। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए दोस्तों, फटाफट नोट करिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन नोट करते हैं इस तरह का। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 301 मल्टीप्लाई 302 मल्टीप्लाई 303 मल्टीप्लाई अप टू 1000, आपको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो मेथड है वो 1 से स्टार्ट करके है, कहां से है 1 से स्टार्ट करके है, बट ये सीरीज कहां से स्टार्ट है 300 से, कहां जा रही है 1000 तक, यानी कि पहले हम 1000 में फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 1000 बाय 5 200, 200 बाय 5 करेंगे 40, 40 बाय 5 करेंगे 8, 8 बाय 5 करेंगे 1, यानी कि आपके टोटल आ जाएंगे 240। देखिए बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लें, ठीक है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना कम आप एग्जाम में लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा भाई। देखिए हमने किस तक फाइंड कर ली, 1000 तक फाइंड आउट कर लिया, अब हम 300 तक फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 300 बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ 60, 60 बाय 5 करेंगे 12, 12 बाय 5 करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 74, यानी कि यहां से आप क्या कर देंगे 74 माइनस कर देंगे, जो ये 74 आया है ये 74 यहां से आप माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जीरो जो है ये 1 टू 1000 है और ये जीरो जो है 1 टू 300 है,
अब 1 to 300 तो हमें चाहिए नहीं, तो आप माइनस कर दीजिए, 249 में 74 माइनस करेंगे, देखिए कितना बचेगा 5, 24 में से 7 निकालेंगे 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 175, यानी कि इस सीरीज में जो आपके नंबर ऑफ जीरो है वो कितने बनेंगे 175 बनेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट, आगे चलते हैं। ठीक है जल्दी जल्दी नोट किया करो, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो आराम से, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं आपको दे दूं 2 × 4 × 6 × 8 × 200, आपको यहां पे भी नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं कि कितने जीरो आएंगे यहां तक। तो दोस्तों मैंने आपको मेथड क्या बताया था कि हमारे पास मेथड जो है वो वन से स्टार्ट करके है, सीरीज आपकी वन से स्टार्ट हो कहीं तक जा रही हो, हम नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे। बट यहां पे फोकस करिए, ये जो आपका टू का टेबल है यानी कि सारे के सारे इवन नंबर लिखे गए हैं। टू का टेबल है मतलब क्या है कि सारे के सारे जो है वो इवन नंबर लिखे गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से टू कॉमन निकाल सकते हैं, टू कॉमन निकाल सकते हैं। अब कॉमन निकालने की बात सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि 22 और 24 में से 2 निकालें, तो इनमें से 2 निकालेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पे बच जाएगा 11 और यहां पे बच जाएगा प्लस में 12। देखिए दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी गहरी बात है, अगर प्लस का साइन है तो यहां और यहां 2 कॉमन आ जाएगा, 11 प्लस 12 बच जाएगा। लेकिन अगर यही साइन मल्टीप्लाई में होता, 22 मल्टीप्लाई 24 होता और मैं आपको कॉमन निकालने के लिए बोलता, तो कॉमन निकालने का मतलब यहां पे होगा कि एक 2 यहां से आएगा, एक 2 यहां से आएगा, यानी कि 2 का पावर 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 11 × 12। यानी कि मल्टीप्लाई में जब हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो वो पावर की फॉर्म में आता है। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये है आपका 2 × 1, ये आपका 2 × 2, इसी तरह ये है आपका 2 × 100। क्या है? 2 × 100, यानी कि 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, कितनी बार आया है? 2, 2 आपका यहां 100 बार आया है, जो 2 है वो 100 times आया है, यानी कि यहां से जो कॉमन निकलेगा एक यहां से ऐसे काउंट करते करते तो 2 का पावर 100 कॉमन आ जाएगा, 2 का पावर 100 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, इसी तरह कितने 2 102, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1, यहां पे बचेगा 2, यहां पे बचेगा 3, अब 2 क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। ये आपका वही सीरीज है जो मैंने आपको बताया था, 2 का पावर 100 जीरो नहीं बना सकता, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अगर यहां पे कोई ऐसा वैल्यू होता जो जीरो बना सकता, जैसे 5 होता, ठीक है ना, फिर हम सोचते। आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरह का, देखिए बाप इस पे फोकस करिए, इसका पता है आपको, 100/5 करेंगे 20, 20/5 करेंगे 4, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके जो जीरोस बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे, 24 बढ़ेंगे दोस्तों, दैट्स इट, यही आपको करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता 7 × 14 × 21 × 28 मान लो देता 1050 तक, आपको बताने होते नंबर ऑफ जीरोस। देखिए दोस्तों आपको बताने होते नंबर ऑफ जीरोस, मैंने क्या बोला कि ये 7 का टेबल है, कहां तक है 7 × 150, कहां तक है 7 × 150 तक, ठीक है। तो यहां से 7 का पावर 150 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 × 2 × 3 × कहां तक 150 तक आपको बचेगा, 7 का पावर 150 का कोई काम ही नहीं है, इससे जीरो बनने ही नहीं वाला, तो यहां से जीरो बनेगा। 150 को 5 से डिवाइड करोगे 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे 1, तो आपके नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएंगे 37, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 37। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 up to 999, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, बताइए दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि जीरो कैसे बनते हैं, जीरो बनते हैं जब 5 आए और 2 आए। आप क्या देख रहे हो, ये सारे के सारे ओड नंबर है,
ये सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू 999, यानी कि यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं आया है, कोई भी टू नहीं आया है, तो इस सीरीज में दोस्तों एक भी जीरो नहीं बनेगा, एक भी जीरो नहीं बनेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 0 0s। आप बोल सकते हैं एक भी नहीं, इस सीरीज में कोई जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, इवन नंबर नहीं है। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं, बताइए फटाफट, मान लीजिए आपको दे दूं मैं 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई अप टू 800, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, फटाफट बताइए। मैंने आपको क्या बोला, ये 4 का टेबल है, किसी का भी टेबल आए तो वो टेबल आपका काउंटिंग में रहेगा, और ये 800 कैसे बढ़ेगा, 4 मल्टीप्लाई 200, यानी कि 4 यहां पे कितने टाइम आया है, 200 टाइम आया है, तो यहां पे आप कॉमन ले लेंगे 4 का पावर 200, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू 200, इसका तो कोई काम ही नहीं है, 0 0 बढ़ेंगे ही नहीं, तो यहां पे 200 में कितने जीरो बढ़ेंगे, 200 को 5 से डिवाइड करोगे 40, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे 1, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 49, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 49 आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमने आज किया जो नंबर ऑफ जीरोस की बात थी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप खुद सिंप्लीफाई करके देखें, कोशिश करें आपसे हो जाते हैं नहीं, वरना नेक्स्ट इसका जो पार्ट टू है नंबर ऑफ जीरो का, उसमें आपको उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, और आगे कुछ और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो नंबर ऑफ जीरो पे बेस है। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनको आपको खुद को टैकल करके देखना है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई अप टू 1000, आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। सेकंड क्वेश्चन, 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई अप टू 1800, आपको बताना नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। थर्ड क्वेश्चन, 20 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई अप टू 2000, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई अप टू आप जाएंगे 200 स्क्वायर तक, नंबर ऑफ जीरो। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए दोस्तों, इनको ट्राई करके देखें, ट्राई एट होम, ठीक है दोस्तों, घर पे ट्राई करके देखें, आपसे हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जीरो का पार्ट टू आप जरूर देखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर, बाय, मिलते हैं सेशन 2 में, नंबर ऑफ जीरो का पार्ट 2 जल्द ही आपके चैनल पे आ जाएगा। ओके बाय दोस्तों।